A very good morning, dear students. Today we will start our third chapter, that is Know About Computer Viruses. Okay, so you must have heard of viral fever. If we have this fever, our body is attacked and infected by viruses which harm our body and destroy our good cells. Similarly, a computer is also vulnerable to attack by programs written with bad intent, which have the capability of destroying the programs and files saved in the computer. So, as you all know about the viral fever, ठीक है, आप सभी ने viral fever के बारे में सुना होगा. और जब भी हमें ये fever होता है तो हमारी body किससे infect होती है? Viruses से. ठीक है, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, और हमारी बॉडी की जो कुछ अच्छे सेल्स होते हैं, हमारे जो गुड सेल्स होते हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये वायरस. ओके, तो सिमिलरली इसी तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है वो भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स से अटैक होता है, ऐसे प्रोग्राम्स जो एक गलत इरादों से लिखा जाता है. ठीक है, जिसमें हमारे क्या होते हैं, उस प्रोग्राम से वायरस होते हैं. तो उन प्रोग्राम्स के पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि हमारे कंप्यूटर में जो ऑलरेडी सेव्ड प्रोग्राम्स और फाइल्स हैं उन्हें वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ठीक है, सच प्रोग्राम्स आर नोन एज कंप्यूटर वायरसेस. तो ऐसे प्रोग्राम्स जो हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को और या फिर फाइल को हार्म करते हैं, हमारे कंप्यूटर को हार्म करते हैं, उन प्रोग्राम्स को हम कहते हैं कंप्यूटर वायरस. ओके, दे आर राइटली कॉल्ड वायरस सिंस दे आर क्वाइट सिमिलर टू द वायरस अटैकिंग द ह्यूमन बॉडी. और हम इसे इसलिए वायरसेस के नाम से जानते हैं क्योंकि जिस तरीके से कुछ वायरस हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, उसी तरीके से ये वायरस भी किसे हार्म कर रहे हैं? हमारे कंप्यूटर को हार्म कर रहे हैं. ठीक है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हार्म कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज कंप्यूटर वायरस? अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम. दिस प्रोग्राम कैन इन्फेक्ट अ सिस्टम एंड क्विकली डुप्लीकेट इटसेल्फ थ्रू आउट द सिस्टम. द यूजर ऑफ अ कंप्यूटर मे नॉट इवन रियलाइज दैट द कंप्यूटर इज अफेक्टेड. सो कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रोग्राम है. तो ये प्रोग्राम क्या करता है? हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है. ठीक है, और खुद का, जैसे कोई वायरस होगा उसका अपने खुद का ही एक डुप्लीकेट बनाएगा और पूरे सिस्टम में स्प्रेड हो जाएगा. द यूजर ऑफ अ कंप्यूटर मे नॉट इवन रियलाइज. और जो यूजर है, यूजर क्या होते हैं, कौन होते हैं यूजर? जो कंप्यूटर को यूज करते हैं. ठीक है, अगर मैं कंप्यूटर को यूज कर रही हूँ तो मैं कौन हूँ? यूजर हूँ. अगर आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो आप कौन होंगे? यूजर होंगे. ठीक है, तो यूजर को, जो भी कंप्यूटर को यूज कर रहा है, उन्हें बिल्कुल ये रियलाइज भी नहीं होता है कि उनके कंप्यूटर वायरस से अफेक्ट हो चुके हैं. वायरसेस नॉर्मली इन्फेक्ट जस्ट वन कंप्यूटर. हाउएवर, इफ दैट कंप्यूटर इज पार्ट ऑफ अ नेटवर्क, द कंप्यूटर वायरस मे स्प्रेड टू अदर सिस्टम्स मच लाइक अ ह्यूमन वायरस विच ट्रांसमिट्स वन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. सो हमारे पास, हमारे इसमें जो वायरल फीवर होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है कि पर्सन से पर्सन तक ट्रांसमिट हो जाता है ना, वन पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो जाता है वायरस. तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में अगर नेटवर्किंग हो रखी है, नेटवर्किंग मीन्स अगर हमारे बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, हमारे सारे सिस्टम्स जब आपस में कनेक्टेड होते हैं तो एक नेटवर्क क्रिएट होता है. क्लियर, अगर हमारा एक भी कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्ट है तो वो हमारे सारे कंप्यूटर को, जो भी हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड है, उन सारे कंप्यूटर सिस्टम्स को इन्फेक्ट कर देगा. क्लियर, द मोस्ट कॉमन कैटेगरीज ऑफ वायरसेस आर, फर्स्ट इज बूट वायरसेस. तो हमारे कुछ कैटेगरीज हैं वायरसेस के. फर्स्ट है हमारा बूट वायरसेस, अ टाइप ऑफ वायरस दैट बिकम एक्टिव एंड रन्स व्हेन द कंप्यूटर इज रीस्टार्टेड और व्हेन रीस्टार्टेड विद एन इन्फेक्टेड सीडी इन द ड्राइव. तो हमारा जो बूट वायरस है, जब भी हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है, या फिर कैसे रीस्टार्ट होता है, एक इन्फेक्टेड सीडी से रीस्टार्ट हो रहा है. ओके,
तो हमारे ये बूट वायरस एक्टिव हो जाते हैं और हमारे सिस्टम में रन करते हैं. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट इज फाइल वायरसेस. फाइल वायरसेस आर दोज विच अटैक देमसेल्व्स टू एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल्स एंड एक्टिव व्हेन द प्रोग्राम इज रन. तो फाइल वायरसेस ऐसे वायरस होते हैं जो किस में अटैच होते हैं, एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल्स में अटैच होते हैं, और जब भी ये प्रोग्राम रन करते हैं तो ये वायरस एक्टिव हो जाते हैं. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज मैक्रोस वायरस. दीज वायरस अटैच देमसेल्व्स टू डॉक्यूमेंट्स सो दैट व्हेन द फाइल इज ओपन द वायरस बिकम्स एक्टिव. सो मैक्रोस वायरस किसके साथ अटैच होते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट फाइल्स के साथ अटैच होते हैं, और जब भी हम इन डॉक्यूमेंट फाइल्स को ओपन करते हैं तो हमारे कौन से वायरस एक्टिव हो जाते हैं, मैक्रोस वायरस एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है. सो फाइल वायरस में वो वायरस एक्टिव होते हैं जो किसके साथ अटैच होते हैं, हमारे प्रोग्राम फाइल्स के साथ. ठीक है. हमारे जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सब उनके पीछे क्या लिखे हैं, कुछ प्रोग्राम्स लिखे हैं. ठीक है. तो वो प्रोग्राम फाइल्स जो होती हैं उनको जब भी हम रन करेंगे तो हमारे फाइल वायरसेस एक्टिव हो जाएंगे, और जो भी हम अपने सॉफ्टवेयर में, ठीक है, जैसे एमएस वर्ड में हमने कोई स्टोरी लिखी है एक डॉक्यूमेंट की तरह उसे सेव करा है, ठीक है, तो वो फाइल में अगर हमारा वायरस होगा तो जब भी हम उस फाइल को ओपन करेंगे तो कौन सा वायरस एक्टिव हो जाएगा, मैक्रोस वायरस. ओके. क्योंकि वो हमारे डॉक्यूमेंट फाइल्स के साथ अटैच्ड होते हैं. नाउ हाउ डू यू गेट अ कंप्यूटर वायरस. सो कंप्यूटर वायरस इज स्प्रेड थ्रू सेवरल वेज, सम ऑफ देम आर. सो हमारे कंप्यूटर वायरस कैसे आते हैं, ठीक है, कैसे स्प्रेड हो जाते हैं, तो उसके डिफरेंट सेवरल वेज हैं. फर्स्ट इज यूजिंग वायरस इन्फेक्टेड सीडीज पेन ड्राइव्स. अगर कोई भी हम इन्फेक्टेड सीडीज या पेन ड्राइव को यूज करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी वो वायरस आ जाएगा. ठीक है. सपोज अगर हमारे किसी एक सिस्टम में वायरस है और हमने उसके साथ पेन ड्राइव अटैच करी है या कोई सीडी अटैच करी है तो कंप्यूटर का वायरस हमारे पेन ड्राइव में आएगा. ठीक है. और उस पेन ड्राइव को अगर हम किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में अटैच करेंगे तो पेन ड्राइव के थ्रू हमारे दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में भी वायरस आ जाएगा. ओके. सेकेंड वन ओपनिंग एंड इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट. तो जब भी हम अपनी मेल चेक करते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ अननोन ईमेल्स भी होते हैं. ठीक है. तो हमें कभी भी अननोन ईमेल्स को ओपन नहीं करना होता है, और उनमें जो भी फाइल्स अटैच्ड होती हैं कभी भी उन फाइल्स को अटैच नहीं ओपन नहीं करना होता है. ठीक है. क्योंकि उन फाइल्स में क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर के वायरस होते हैं. नेक्स्ट इज डाउनलोडिंग एंड इन्फेक्टेड प्रोग्राम फ्रॉम इंटरनेट पेन ड्राइव्स और सीडीज. तो जब भी हम कोई भी प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं अपने इंटरनेट से, ठीक है, तो कभी कभी तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि हम कि ये आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है वायरस से. ठीक है. तो आपको कोई भी जब भी इंटरनेट से कोई भी प्रोग्राम्स डाउनलोड करने हैं या कोई भी फाइल डाउनलोड करनी है तो बहुत केयरफुली डाउनलोड करनी है. ठीक है. उनमें वायरस प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज रनिंग एन इन्फेक्टेड प्रोग्राम विच कैन बी अ गेम, स्क्रीन सेवर एटसेट्रा. और हमारे कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो हमारे ऑलरेडी सिस्टम में सेव होते हैं, उनमें क्या होता है, वायरस होता है. ठीक है. विच कैन बी गेम, कोई गेम हो सकता है वो, या हमारा कोई स्क्रीन सेवर भी हो सकता है. नेक्स्ट इज थ्रू लोकल कंप्यूटर नेटवर्क्स. तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हमारे किसी कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, ठीक है, हमारी जो नेटवर्किंग होती है उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स अटैच्ड होते हैं, तो उन कोई भी अगर हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम इन्फेक्ट है तो वो दूसरे सिस्टम्स को भी इन्फेक्ट कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट इज थ्रू पायरेटेड सॉफ्टवेयर. सो पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉपी कर लेते हैं. ठीक है. तो एक तरीके से ये पायरेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो कॉपी नहीं कर रहे होते हैं, वो एक तरह से चोरी कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी फाइल्स वगैरह को. तो इन पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स में भी वायरस प्रेजेंट होता है. ओके. अ वायरस कैन बी अटैच टू एनी फाइल दैट यू कॉपी टू योर कंप्यूटर. इफ यू डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट और कॉपी प्रोग्राम्स और फाइल्स फ्रॉम फ्रेंड्स ऑन सीडीज पेन ड्राइव्स, यू आर सस्पेक्टेड susceptible to viruses.
सो जो वायरस है वो किस में अटैच होता है? किसी भी फाइल में अटैच हो सकता है जिसे आप कॉपी कर रहे हो कंप्यूटर से, ठीक है? इफ यू डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट और कॉपी प्रोग्राम्स और फाइल्स फ्रॉम फ्रेंड्स ऑन सीडीज पेन ड्राइव्स, तो आप जो भी फाइल को डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से या कोई भी फाइल कॉपी कर रहे हो अपने फ्रेंड की पेन ड्राइव या सीडीज से, वो किससे इन्फेक्ट हो सकते हैं? वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। डिफरेंट वायरसेस विल अफेक्ट योर कंप्यूटर इन डिफरेंट वेज। दीज इफेक्ट्स कैन रेंज फ्रॉम हार्मलेस मैसेजेस टू डेटा करप्शन। सो डिफरेंट वायरस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को अफेक्ट करते हैं डिफरेंट वेज में, ठीक है? तो जिसकी वजह से, इन वायरस की वजह से हमारी कोई भी डेटा, कोई भी फाइल करप्ट भी हो जाती है, ठीक है? मतलब डेटा क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है। फर्स्ट इज इट कैन क्रैश योर हार्ड डिस्क, ये आपके हार्ड डिस्क को क्रैश कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। इट कैन डिस्ट्रॉय ऑल और सम ऑफ योर डेटा, आपके कुछ डेटा को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, मीन्स आपकी फाइल्स, आपकी फोटोज, ठीक है? इन सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डिक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, और हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसे भी डिक्रीज कर देती है, ठीक है? तो जैसे आपने देखा होगा कभी कभी हमारे कंप्यूटर्स और या हमारे मोबाइल फोन्स क्या करते हैं, हैंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? हमारे कंप्यूटर या हमारे मोबाइल फोन्स में क्या है? वायरस है। इट कैन रिड्यूस और ब्लॉक द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर और हार्ड डिस्क, और ये हमारे कंप्यूटर या हमारे हार्ड डिस्क की जो मेमोरी होती है उसे भी डिक्रीज कर देती है या फिर ब्लॉक कर देती है। नेक्स्ट इज स्टॉप्स यू फ्रॉम रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर, और जब भी कभी आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो वो रीस्टार्ट भी नहीं होने देता है, ठीक है? नेक्स्ट इज सेंड ई मेल्स फ्रॉम योर अकाउंट विदाउट योर नॉलेज, और जैसे मैंने कहा हमारे कंप्यूटर्स कभी हैंग हो जाते हैं, मोबाइल फोन्स हैंग हो जाते हैं, तो कुछ चीजें ऑटोमेटिकली वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है? कोई भी प्रोग्राम फाइल्स को ओपन कर लेते हैं, तो इसी तरीके से वो हमारी किसी भी मेल को सेंड कर सकते हैं किसी भी अकाउंट में, ठीक है? हाउ डू यू नो योर पीसी हैज अ वायरस? नाउ हाउ वी विल नो दैट अवर पीसी हैज अ वायरस, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पीसी में क्या है? वायरस है। तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। द मोस्ट यूजुअल सिम्टम्स ऑफ अ वायरस इन्फेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम्स आर, फर्स्ट इज बूटिंग टाइम विल इंक्रीज। तो बूटिंग टाइम क्या होता है? जब भी हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या फिर रीस्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में एक ब्लैक स्क्रीन आती है, ठीक है? तो उस टाइम क्या हो जाता है? हमारा कंप्यूटर सिस्टम बूटिंग प्रोसेस में होता है, क्लियर? तो उस बूटिंग प्रोसेस का जो टाइम होता है वो वायरस क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, ओके? सेकेंड इज स्टार्ट डिस्प्लेइंग अनयूजुअल मैसेजेस ऑन द स्क्रीन, और हमारे कभी कभी जब हमारे वायरस आते हैं तो अनयूजुअल मैसेजेस भी हमारे स्क्रीन में शो होने लग जाते हैं। थर्ड वन, लोडिंग ऑफ द प्रोग्राम्स टेक्स लॉन्गर, कोई भी फाइल्स या कोई भी हम एप्लीकेशंस को रन करना चाहते हैं, ठीक है? तो उन प्रोग्राम्स को वो क्या करता है? बहुत स्लोली ओपन करता है। सपोज अगर हम अपने मोबाइल फोन्स में ही जैसे कोई भी एप्लीकेशन ऑन कर रहे हैं, कोई गेम का एप्लीकेशन ऑन कर रहे हैं या व्हाट्सएप ऑन कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है उस प्रोग्राम को ओपन करने में, ठीक है? दैट मीन्स अवर दैट सिस्टम हैज वायरस। तो मतलब क्या है? हमारे उस सिस्टम में वायरस है। नेक्स्ट इज टेक्स मोर टाइम टू शट डाउन शट दी विंडोज, और हमारी शट डाउन के टाइम पे भी बहुत ज्यादा टाइम लेता है। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द फाइल्स गेट इंक्रीज, हमारी जो भी फाइल सिस्टम में सेव है, ठीक है, उन सारी फाइल्स का, सारी भी नहीं मतलब कुछ फाइल्स का वो क्या करता है? साइज इंक्रीज कर देता है, ओके? द फाइल्स नेम्स और टाइप्स विल चेंज ऑटोमेटिकली, और कभी हमारे जो फाइल्स होते हैं उन्हें वो उनके नेम को या फिर उसकी जो टाइप है उसे भी ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है, क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन आंसर्स एंड अवर नोट। कंप्यूटर वायरस क्या है? अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम कैन इन्फेक्ट द सिस्टम एंड क्विकली डुप्लीकेट इटसेल्फ थ्रू आउट द सिस्टम। वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करता है और बहुत क्विकली खुद की एक डुप्लीकेट बनाता है और हमारे पूरे सिस्टम में स्प्रेड हो जाता है, ओके?
क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिस्ट आउट द सोर्सेस थ्रू विच योर कंप्यूटर कैन गेट इन्फेक्टेड बाय अ वायरस। तो हमें कुछ लिस्ट बनानी है, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं कि हमारे कंप्यूटर किस तरीके से इन्फेक्ट हो सकते हैं। ओके, द सोर्सेस बाय विच आवर कंप्यूटर कैन गेट इन्फेक्टेड बाय अ वायरसेस आर, फर्स्ट इज यूजिंग वायरस इन्फेक्टेड सीडीज पेन ड्राइव्स, सेकेंड वन ओपनिंग एन इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट, थर्ड वन थ्रू लोकल कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके, सो मैंने यहाँ पे आपको थ्री पॉइंट्स लिखवाए हैं, बट अगर आप बुक से कोई दूसरे पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज लिस्ट आउट दी सिम्टम्स ऑफ वायरस इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स। हमें ऐसी लिस्ट बनानी है, ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखने हैं जिन सिम्टम्स से हमें पता चलता है हमारा कंप्यूटर इन्फेक्ट हुआ है। आंसर, द सिम्टम्स ऑफ वायरस इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स आर, फर्स्ट इज बूटिंग टाइम विल इंक्रीज। ओके, हमारा बूटिंग टाइम इंक्रीज कर जाता है। सेकेंड वन लोडिंग ऑफ द प्रोग्राम्स टेक्स लॉन्गर। हम कोई भी प्रोग्राम को अगर लोड कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। थर्ड वन द साइज ऑफ द फाइल्स गेट्स इंक्रीज्ड। हमारी फाइल्स का जो साइज है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे भी आपको सिर्फ थ्री पॉइंट्स लिखवाए हैं। अगर आपको इन थ्री पॉइंट्स के अलावा कोई दूसरे थ्री पॉइंट्स बुक से लिखने हैं तो आप वो लिख सकते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फर्दर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।